नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एक बड़ा सा शॉपिंग बैग बनाया था, जिसकी कटिंग के बाद कुछ छोटे छोटे पीसेस बच गए थे। उन्हीं छोटे छोटे पीसेस का यूज़ करके आज मैं बहुत ही प्यारा सा की बैग या फिर कॉइन बैग बनाने जा रही हूँ। इस तरह के छोटे बैग जो है ना, वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आप इसमें कॉइन, की या फिर पिन और जिप या फिर कोई भी छोटे मोटे आइटम, बटन वगैरह इसमें ऑर्गेनाइज करके एक साथ रख सकते हैं। और इसमें देखिए 3 पॉकेट हैं। तो आइए अब हम शुरू करें बनाना अपना ये प्यारा सा की बैग। तो देखिए, कल के शॉपिंग बैग के बाद मेरे पास ये छोटे छोटे पीसेस बचे हुए हैं, इन्हीं से बनाऊंगी ये बैग। तो सबसे पहले देखिए, ये जो बड़े वाले जो पीसेस हैं ना, इनको दोनों को आपस में जोड़ लूँगी। तो ये दोनों को जोड़ लेना, और बाकी ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं इनको देखिए, ये 4 को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे तो ये गोल शेप में बन जाएगा। तो ये देखिए, ये 4 पीसेस मैंने ज्वाइंट कर लिया है। 2 थोड़ा बड़ा है और 2 पीसेस जो है ना, वो थोड़ा छोटा सा है। अब इस तरह का कोई भी अस्तर का कपड़ा ले लें, और इसको देखिए नीचे की तरफ अस्तर को रखते हुए और ऊपर से जहाँ पर सिलाई है, जहाँ पर जोड़ है, वहीं पर सिल लें। इसी तरह से बाकी के जो पीसेस हैं उनको भी आप अस्तर लगा के सिल लें। तो ये 4 पीसेस को मैंने सिल लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा अस्तर वगैरह है उसको काट के बराबर कर लेंगे। तो इस तरह का मैं ये कटोरी ले रही हूँ, तो इससे मैं ये देखिए राउंड शेप दूंगी इसको। तो इस तरह से ये सर्कल मैंने बना लिया है कटोरी से। अब इसको कट करेंगे। इसी तरह से बाकी का जो है उसको भी हमें कट कर लेना। तो ये देखिए, जो 2 पीस है उसको मैंने ये टिफिन के ढक्कन से कट किया है, बड़ा शेप है उसका दोनों का, और ये 2 पीस कटोरी के शेप में कट किया है। अब ये छोटे वाले जो पीसेस हैं उनको हम लेंगे, और देखिए बीच से इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है, और थोड़ा ऊपर की तरफ, सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करना है, और यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। जिप को इसी का मेजरमेंट लेके आप कट कर लें। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसका हम मेजरमेंट ले लेते हैं जिप लगाने के बाद, जितना ये जगह बचता है। तो ये हो रहा है 9 इंच। तो 9 इंच का हमें ये कपड़ा लेना है, स्ट्रिप तैयार करना है। अब ये जो जिप है इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच। तो जो हम स्ट्रिप लेंगे ना, उसकी जो चौड़ाई रहेगी इसका डबल रहेगा, यानी कि 3 इंच। तो इस तरह के 2 पीसेस हमें लेने हैं। तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो है 9 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। अब इसको देखिए, हम बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो जिप है उसका किनारा और ये जो स्ट्रिप है इसका किनारा, दोनों का किनारा पकड़ के हमें इसको सिल लेना है। कम से कम 2 सिलाई कर लें इसके ऊपर। अब इसको देखिए सीधा करते हुए इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा जो पीस है ना, उसमें भी आप जिप लगा के और ये जो स्ट्रिप है दोनों को मिला के सिल लें। अब देखिए, इसमें हमने जहाँ पर निशान लगाया वहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे, और ये जो स्ट्रिप में जो बंद वाला भाग है ना, वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो देखिए ध्यान से, इस तरह से हमें इसको पूरा सिल लेना है। अब लास्ट में क्या करना है कि दोनों का जो किनारा है, जिप का किनारा और ये स्ट्रिप का किनारा, दोनों को मिला के हमें सिल लेना है। उसके बाद इसको देखिए, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, और फिर ये जो थोड़ा सा सिलाई बचा है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से ये 2 पीस मैंने रेडी कर लिया है। जो छोटे वाले दोनों पीसेस है वो रेडी हो गए हैं। अब इसको साइड में रखते हैं। अभी जो दोनों बड़ा वाला पीस है उसको हम लेते हैं। अब इसमें साइड से देखिए 1 इंच पे हमें ये किनारे किनारे पूरा ये निशान लगा लेना है। इस तरह से हम ये मार्क करेंगे, और फिर जो छोटा वाला जो पीस है ना उसको इसके ऊपर रखेंगे, और फिर सिल लेना है हमें इसको। थोड़ा सा हल्का हल्का प्लेट्स देते हुए मैं सिल रही हूँ।
तो ये देखिए इसके ऊपर मैं डबल सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी रेडी कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको प्रेस स्टिच कर लेंगे एक बार। अब एक और स्ट्रिप हमें रेडी करना है। तो देखिए इसमें फोम और अस्तर मिला के हम इसको पहले सिल लेते हैं, क्विल्ट कर लेते हैं। अब इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। ये जो हम हैंगर बनाएंगे बैग में, इसकी लंबाई 6 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। तो इसको हम दोनों किनारे से मोड़ के और फिर सिल लेंगे पहले। तो ये देखिए ये स्ट्रिप, ये हैंगर रेडी हो गया है जो कि हम बैग में लगाएंगे। अब इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और जहाँ पर ये जिप लगा हुआ है साइड में वहाँ पर इसको रखते हुए और फिर सिल लेंगे। ये जो जिप है इसकी लंबाई है 5 इंच और ये स्ट्रिप देखिए इसको हमने कट करके रेडी कर लिया है। इन दोनों को मिलाते हुए हम पहले सिल लेते हैं फिर इसमें जोड़ेंगे। पहले इसको देखिए ये किनारा, ये किनारा दोनों को पकड़ के हम सिल लेते हैं मिला के। अब इसको पलट के ऊपर से एक बार टॉप स्टिच करेंगे। अब देखिए इसको हमें ऊपर की तरफ जहाँ पर ये हैंगर लगा है उसके थोड़ा ऊपर से ये जिप को रखते हुए और फिर पूरा साइड में हमें इसको सिल लेना है। अब ये देखिए दोनों का ये जो किनारा है इसको पकड़ मिला के हमें सिल लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। अब इसको देखिए इसको भी ऐसे इस तरह से मोड़ के आप इसको सिल लें, इस तरह से स्ट्रिप तैयार कर लें। दूसरा हैंगर हम इसमें बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसको मैंने रेडी कर लिया है। इसको दूसरी साइड में हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और फिर ये जो थोड़ी सी सिलाई बची हुई है उसको भी सिल लेंगे। अब देखिए दूसरा वाला जो पीस है उसको हम लेंगे बड़ा वाला और फिर ऊपर की तरफ इसको इस तरह से रखते हुए बराबर रखते हुए और चारों साइड से सिल लेंगे। अब ये हमारा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ये बैग बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम सीधा करके देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा ये 3 जिप वाला, 3 पॉकेट वाला ये बैग बना हुआ है। बहुत ही यूज़फुल बैग है, आप इसको ज़रूर बनाना। इससे क्या है जो भी आपका जो वेस्ट कपड़ा है वो भी यूज़ हो जाएगा और आप जो छोटी मोटी चीज़ है आप उसको इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया, मेरा ये बैग, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।